को शेयर कीजिए, हम 3 घंटे से खड़े, ठंडी पड़ रही है, बर्फ पड़ रही है और हमें नहीं पता कि अगली ट्रेन में भी हमें घुसने दिया जाएगा या नहीं। मैं आपको दिखा सकता हूँ बाकी का व्यू कि कितने सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे खड़े हुए हुए हैं। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं इतने सारे स्टूडेंट्स लाइन में खड़े हुए हैं। मुझे नहीं पता कि कब तक हम ऐसे ही खड़े रहेंगे, कब तक हमें सिचुएशन ये सुधरेगी। जैसे आप देख सकते हैं हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं। और खूब आपकी मदद हुई है। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक टू आवर मदरलैंड, इट्स टाइम टू गो होम। पानी की कमी ना हो। और मैं इनको यहाँ से रवाना कर रहा हूँ बुकर ऐसे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। भारत माता की जय। प्लीज बी सेफ। अब तू सेफ हो गया? या अब टेंशन नहीं है। ओके या बाय गाइस, एंजॉय योर ट्रिप। ओके थैंक यू सो मच। या 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 फाइन। ओके या नहीं आ रही, क्या बात है। एक बार जरा एयरपोर्ट के लिए जोर से ताली बजे। एयरक्राफ्ट आराम के साथ जो नीचे बैठे हैं अगर जो अगर थक जाते हो। Actually, I would like to thank the Indian government for helping us. So, because when we were stranded, actually they given us advisory to come to the West. Actually, we were stranded in East, but somehow they issued advisory and they set a special evacuation trains so we can come to the West and we can just evacuate. So, I really thank the Indian government that we are safe and sound now. So, they are going to India, and I'm really happy.